हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे एक अनदर वीडियो में। गाइस, यहाँ पे मैं बहुत धमाकेदार कंपैरिजन लेके आया हूँ भाई, उन लोगों के लिए जो इस समय स्प्लेंडर खरीदने की सोच रहे हैं या तो फिर सोचना चाहते हैं कि स्प्लेंडर जैसी दिखने वाली बाइक टीवीएस की रेडियन हम खरीद लें। लेकिन ये वीडियो इतना ही मज़ेदार है क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा एक कंपेरिजन मिलने जा रहा है और आपके चॉइस के ऊपर है कि भाई आप किसे प्रिफर्ड करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के झटपट से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ ओवरव्यू मैं देना चाहूँगा दोनों ही गाड़ियों का। तो गाइस देखिए, पहली चीज़ तो गाड़ियों में वेट इक्वल है। थोड़ी सी आपको अगर लगती है कि रेडियन भारी टाइप की दिखती है तो भाई ऐसा कहीं कुछ भी नहीं ना, इक्वल टाइप की है, मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। दूसरी चीज़, अगर मीटर कंसोल की बात करें तो आप मीटर कंसोल रेडियन की टीवीएस में, यानी कि टीवीएस की रेडियन में आपको जो है डिजिटल कलर डिस्प्ले पूरा देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्प्लेंडर है उसमें आपको नॉर्मल सा ही जो डिजिटल कंसोल दिखेगा वो वाला देखने को मिल जाएगा। फिलहाल चलिए आप कंपैरिजन पे चल लेते हैं कि क्या कुछ आपको मिलने वाला है, स्पीड, पावर वगैरह। तो वीडियो बड़ा मज़ेदार है, अंत तक बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो जो हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि कितने सीसी की बाइक आती है, तो देखिए ये दोनों ही गाड़ियाँ 100 सीसी में आपको कंपनी कहती है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना मिल रहा है देखिए, 109 सीसी यानी कि 110 सीसी के आसपास में आपकी रेडियन चली जाती है। उसको 110 सीसी में ही आप उसका डिस्प्लेसमेंट मानिए, लेकिन आपकी टीवीएस उसमें जो है स्प्लेंडर जो है आपकी, वो आपको सिर्फ मिल जाती है 100 सीसी में ही, ठीक है। तो 110 सीसी की रेडियन आती है यहाँ पर, तो एक जैसी दिखने वाली, लेकिन ये पावर में भी ज़्यादा अभी जाने वाली है। कैसे वो भी मैं बता दूँ कि मैक्स पावर आपको इसके अंदर 8.8 BHP का मिल जाता है। कितने RPM पे जाएगी गाड़ी, 7350 RPM पे जाने पे ही आपको 8.8 का जो है पावर मिल जाता है, लेकिन आपको 7 कुछ का यानी कि कुछ पीछे है इससे, वो उसमें आपको जो है मिलेगा आपको स्प्लेंडर के अंदर, लेकिन वो 8000 RPM पे जाएगी। देखिए दोनों में कितना अंतर है भाई, एक 7000 जाने पे ही 8 का पावर दे रही है और एक जो है 8000 जाने पे ही 7 से कम का पावर दे रही है, मतलब 8 से कम का पावर दे रही है। तो भाई दोनों में ही इतना अंतर अभी पावर में नज़र आ गया। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क जो आपको है 8.7 न्यूटन मीटर का मिलता है इसमें 4500 RPM पे, ठीक है, मतलब 8.7 का 4000 की राउंड पे जाएगी तो आपको इतना ज़्यादा टॉर्क मिलेगा। लेकिन आपको 6000 RPM पे ले जाएंगे जब भाई उसको जब खींचेंगे तब जा करके आपको 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा यहाँ पे, किसमें, स्प्लेंडर के अंदर। तो अब आगे बात कर लेते हैं इसके माइलेज की। तो देखिए कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है यहाँ पर वो करती है 65 का, और 65 ऑलमोस्ट 60-65 दोनों ही गाड़ियाँ आपको दे देती है यहाँ पे। तो उसमें भाई वो चलाने के ऊपर है आपके, टॉप स्पीड में दोनों ही 100-90 के आसपास कवरअप कर लेती है, लेकिन इतना भगाने की ही क्या ज़रूरत है हमें। अगर मैं यहाँ पर स्पीड गेयर बॉक्स की बात करूँ तो दोनों ही 4 गेयर बॉक्स में आपको गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं वॉल्व की बात करूँ कि इंजन के अंदर कितने वॉल्व की गाड़ियाँ, तो दोनों ही 2 वॉल्व की गाड़ियाँ आ जाती है। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिलने वाली, लेकिन पावर फिगर में अभी भी टीवीएस की रेडियन काफ़ी आगे है। यहाँ पे अगर मैं आगे आपसे बात करूँ तो फ्यूल टैंक जो है 10 लीटर का रेडियन में मिलता है, और 10 के अंदर 9.0 का जो है आपको स्प्लेंडर के अंदर आ जाता है। मान लीजिए कि दोनों ही 10 लीटर में आते हैं, लेकिन 10 लीटर पूरा आ जाता है, तो भाई इतना भी फ्यूल भरने की क्या जरूरत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक सस्पेंशन की बात करूँ तो देखिए दोनों में ही एक अलग टेक्नोलॉजी है। दोनों ही टेक्नोलॉजी क्या होती है भैया, कि अगर आप अगला ब्रेक लगाएंगे तो पिछला भी काम करेगा। दोनों की टेक्नोलॉजी के नाम बस अलग है यहाँ पर। यहाँ पर IBS करके जो है स्प्लेंडर में दिया गया है, और RSBT करके जो है आपका TVS की रेडियन में दिया गया है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। अब फ्रंट ब्रेक की बात करें तो 130 mm का दोनों में ही फ्रंट का ड्रम ब्रेक जो होता है वो लगता है, और ये ड्रम ब्रेक की ही बाइक है, डिस्क ब्रेक नहीं है इसमें, ठीक है। और अगर इसमें अंदर रेयर की बात करें तो 110 mm का जो है रेयर में ड्रम ब्रेक है, और 130 mm का जो है स्प्लेंडर में आपको देखने को मिल जाता है। रेडियन में 110 का ही मिलता है। अगर व्हील बेस की बात करें तो 18 इंच का व्हील बेस दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलेगा, फ्रंट में, आगे में, ठीक है। अगर रेयर की बात करें तो दोनों में ही पिछला, मतलब दोनों का व्हील बेस 18 का है आगे और पीछे दोनों ही गाड़ियों का, चाहे वो TVS की हो, चाहे जो रेडियन है या तो फिर आपके स्प्लेंडर है, ठीक है। अगर फ्रंट टायर की बात करें तो 2.75x18 का जो है समथिंग रेडियन में मिल जाता है, और 80/100 18 का आपका जो है मिल जाता है स्प्लेंडर के अंदर।
और यही चीज़ जो है आपको 3x18 का जो है रेयर में टायर मिल जाता है। मतलब टायर साइज आई थिंक थोड़ा सा मुझे जो है इसका रेडियन का थोड़ा सा अलग है, बाकी स्प्लेंडर का जो है वही है 80-118 का, दोनों में ही बराबर है। ठीक है, जो भी आपको मिल रहा है इसके अंदर प्रेशर जो है टायर में वो 32-25 का आप भर सकते हैं। फिलहाल कर्व वेट की बात करें, अब भाई देखिए आप लोग देखते हैं कि आपको TVS की गाड़ियां जो है भारी ज़्यादा दिखती है, तो भाई TVS की गाड़ियां भारी कैसे है कि मात्र 1 किलो भारी है भाई। 113 किलो की TVS की रेडियन आ जाती है और यहाँ पे 112 किलो की स्प्लेंडर आ जाती है। तो ओवरऑल क्या है कि देखिए गाइज, यहाँ पे पावर के मामले में जो है इस समय रेडियन आगे है और रेडियन जो है इस समय काफ़ी अच्छी चीज़ों के साथ में भी उतारी गई है। आप जा कर के शोरूम विज़िट कर सकते हैं और स्प्लेंडर तो भाई सिर्फ कलर और ग्राफिक्स में ही अभी तक आगे निकल रही है। फिलहाल पावर फिगर में ये गाड़ी जीतती है। आपकी क्या है राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेडियन जिन्होंने ली है क्या है उनका मतलब जो भी उनका एक रिव्यू है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं अपने वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। बाकी जा कर के विज़िट करिए और अभी तक के लिए बस धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मैं इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए तुल को जाए। टिल देन